वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, लाइक, जो कुछ करना है कर लें। और आज जो चैप्टर है मेरा क्लास 8 का, परसेंटेज एंड इट एप्लीकेशन, 8 क्लास 8 चैप्टर, अच्छा है ना। चलो देखो, परसेंटेज आपने बहुत बार, हर बच्चे ने सुना कि सर दो मैं 10% का डिस्काउंट कर रहा हूँ। कभी स्कूल क्लास में किसी से बात कर रहे होंगे या किसी शॉप पर गए हों या किसी मार्केट में गए हों, आपको तुरंत कहा उसने 10% डिस्काउंट कर दिया, 20% डिस्काउंट कर दिया। तो एक्चुअली डिस्काउंट होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इस बारे में आपको समझेंगे। लिखा भी है परसेंटेज एंड इट एप्लीकेशन, परसेंटेज उसका यूज़ क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। तो बेसिक एक छोटी सी टॉपिक है, उसको समझ लीजिए, इसी पे पूरा बेस है। होता क्या, किसी भी कोई भी नंबर है, हम नंबर लिख देते हो, नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, डेसिमल हो सकता है, ठीक है, जो भी कुछ हो, मतलब ठीक है, फ्रैक्शन, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना किसमें, परसेंटेज में, अगर आप चाहो तो आगे मूव करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप थोड़े से इस चीज़ को समझ लोगे कैसे करना है, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब जो भी चीज़ है उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो चीज़ हमें सॉल्व होके आएगी उसके पीछे परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये हो जाता है। इतना ध्यान रखो, अगर कोई चीज़ परसेंटेज में ऑलरेडी है, ये परसेंटेज का साइन है, अगर कोई चीज़ परसेंटेज में ऑलरेडी है, अगर उसमें कन्वर्ट करना है, जो उसकी वजह से डेसिमल में बोल सकता है, डेसिमल में बोल सकता है, फ्रैक्शन में बोल सकता है, या कोई नंबर में बोल सकता है, जो नॉर्मल नंबर में, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, उस चीज़ में 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बस 1/100 और 100 दोनों में बहुत अंतर है, ये डिवाइड की फॉर्म में काम करता है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में काम करता है, ठीक है। किसी भी नंबर में 100 का डिवाइड काम करता है, ये मल्टीप्लाई का काम करता है, ध्यान है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में ही दिया जाएगा, ठीक है, और इसे आपको डेसिमल में, यहाँ परसेंटेज नहीं लगाए, ये तो बेसिक फंडा है, इसी पे पूरा परसेंटेज बना हुआ है, ठीक है। कुछ और फार्मूले हैं जो आएंगे, हम आपको समझाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सब कुछ आराम से सिस्टमेटिक मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इस चैनल से दूसरों की हेल्प होगी तो हेल्प ज़रूर करें। अगर हेल्प करने से दूसरे लोगों को जितना फ़ायदा होता है वो उतना ही दवा देता है, उतना ही आपको कामना करता है, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं इसके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट लिख दिए, तो आपकी बुक में भी लिखे होंगे। अगर इस बुक का आपको मैच कर रहा है तो आप ज़रूर ये मैच कर रहा होगा, ठीक है। कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, नया चैप्टर है, लिखना मत, पहले समझ लेना क्या कह रहा, उसके बाद लिखना, ठीक है। बहुत आराम से देखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यार से देखेंगे, ठीक है, कितने आराम से देखते हैं। तो बच्चों एक एक चीज़ को हम बहुत आराम समझते हैं। तो मैंने बताया था एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज का साइन हम रिमूव करते, मैंने इस चीज़ को हम यहाँ से हटाते हैं, यानी मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो वो उसके अपॉन में 100 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई, वोल्ट का रिवर्स था, जब परसेंटेज लगाया तो 100 का मल्टीप्लाई, हटाया तो 100 का डिवाइड, तो इतना कर दिया। और ऑफ का मतलब आपको बहुत पहले से समझाया जा रहा है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई। तो अब हम देखो यहाँ से इसको 25 से काटेंगे, 4 टाइम्स ये 3 टाइम्स, ठीक है, इसको काटेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 × 3 = 9, ठीक है, 9 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे इसमें सेम करेंगे, 120/100, ओके। फिर देखो ये जो है मल्टीप्लाई लगा देंगे 30, ओके। तो देखो कभी भी ऐसे काटना मत, 1-0 से ये ऊपर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आप देखेंगे कि 12 × 3 कितना होगा, 36 क्या है,
जो इसका साइन है, कितना था ना रुपीस का, ठीक है 36 रुपीज़। ठीक है ऐसे इसको सेम करेंगे, क्या करेंगे 75/100, ये परसेंटेज का साइन वो नीचे आ गया 100। अब क्या करें 8, आप चाहो तो इस 8 को मीटर है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2 0 बढ़ा के सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है तो 1 2 1 2, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 कैरी 56 56 और 4 60। ठीक है ये तो सेंटीमीटर में, अगर ये आंसर ना मिले तो आप इसे क्या कर सकते हो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जो आंसर बेटर लगे आप वो लगा लेना। होता क्या है ये चीज़ एक बार समझ लो, जब आपसे कोई बोला जाए कि भाई मेरे पास ना 500 ग्राम राइस है, ऐसा बोलता है ना, तो उसने कह दिया भाई हमने 50% हमने कुक कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, तो हम देखेंगे 50% कुक कर लिया तो 50% कुक कर लिया तो इसे कैसे निकालें, तो यही तरीका होता 500 का 50% निकाल लेते, 500 का जब 50% निकालेंगे तो क्या करेंगे 500 50/100 एक यानी 250 ग्राम। ठीक है यानी इतना मैंने कुक कर लिया। तो कभी भी कोई चीज़ का परसेंटेज पूछा जाए तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उसमें जो भी वैल्यू दी उसे मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिख देंगे और परसेंटेज को हटा के 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ईजिली जो कैलकुलेशन होगी हम सॉल्व करके उसको हम आराम से फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका बहुत बार पूछा जाता है कि नॉर्मली चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, भाई इतना परसेंट बना लिया, ये रह गया वो रह गया, तो आपको इतना बेसिक आना चाहिए। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे पे। अगर आपको आई होप अच्छा लगता है तो उन बच्चों को ज़रूर शेयर करो जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ट्यूटर अच्छा नहीं मिल पाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने मैच कर लिया होगा, देखो कैसे कर दे। पहले क्वेश्चन को देखो, होता क्या एक्चुअली, जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे ना तो आंसर हम कभी नहीं दे सकते। होता क्या बच्चे आंसर करने की कोशिश बहुत जल्दी कर देंगे, भाई आंसर निकाल रहा है बाकी सब बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं करते हम। करते क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे क्या कह रहा है एक्चुअल, उसको देखते हैं। तो देखो कह रहा है एक्सप्रेस, ठीक है द फर्स्ट क्वांटिटी, जो भी फर्स्ट क्वांटिटी, अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इतना ध्यान रखा फर्स्ट और सेकंड मानते समझो। ठीक है एज द परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी, मतलब ये कह रहा है फर्स्ट सेकंड से कितना परसेंट है ये बोल रहा है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ध्यान रखना वही हमेशा करना, जो भी अगर इंग्लिश में अगर देखा जाएगा ऑफ, ऑफ के राइट साइड वाला हमेशा डिवाइड में आएगा, तो ये 8 ऊपर आ जाएगा 32, और किससे कंपेयर कर रहा है उसी को हम डिवाइड में रखते हैं। ठीक है अब क्या करेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या परसेंटेज की फॉर्म पूछ रहा है, आपसे पूछा भी था कि जब किसी का परसेंटेज निकालना तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो कितना परसेंट है। ठीक है अब देखो क्या करें, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, चाहो तो इसको लगाने की जरूरत, लास्ट में जब आंसर लिखे तब परसेंटेज लगा दें, तो ये 4 बार ये 25 बार, तो देखेंगे 25%, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है वैसे करेंगे, ठीक है ठीक है आप चाहे परसेंटेज लगा सकते हो, चाहे तो आप एंड में परसेंटेज कर सकते हो। ठीक है अब क्या करेंगे, 21 से काटेंगे, 21 से काटेंगे 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ठीक है अभी 5 से 20 बार काटेगा, देखिए 3 × 20 तो देखेंगे हमारा 60% बन गया। ठीक है ईजी है, बहुत ईजी, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है एक बार तो हमेशा ईजी रहेगा। ठीक है अब देखो इसमें क्या करें, 8 - 8
ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 8/64 × 100, ठीक है, सही परसेंटेज बनाने के लिए तो 8 से काटेंगे 8 बार, ठीक है, अब 4 से काटेंगे 2 बार, 25 बार, ठीक है, देखें 25/2, या तो ये होगा 12 1.2%, ठीक है, या फिर ये हो सकता 12.5%, दोनों में से आपको कोई आंसर मिल सकता है, दोनों आंसर, ठीक है, या तो ये होगा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा या फिर डेसिमल में लिखा, दोनों में से कोई एक में लिखा होगा, ठीक है। चलो अब हम इसको भी देख लेते हैं, ये 4 लिखा, देखते हैं 4 ही है क्या। हाँ बच्चों 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 52/4/100 कितने बार कटेगा, आई थिंक ये कटेगा 1 बार 13 बार, ओके 13 × 100 तो कितना हो जाए 1300%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। होटल तो ये हमारा प्रोसेस था कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है, आप ये जो ब्रैकेट है ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया था, ठीक है, जहाँ मैंने परसेंटेज नहीं लगाया आपको ऑप्शन है, आप लगा भी सकते हो, एंड में ज़रूर लगाना है, ठीक है, आप सॉल्व करते टाइम ना लगाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन एंड ऑफ में आपको परसेंटेज लगाना आ जो वैल्यू सॉल्व होके आई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न, ये बात एक बात ध्यान रखना, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में एक पैटर्न, एक अलग अप्रोच से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब अगर फाइंड द होल, मतलब अगर हम 4% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से रखना, ठीक इस, तो 4% इतना है, तो मान लेते लेट Let that number x, वो नंबर x है, मतलब जो होल नंबर निकालना है वो x है, तो x का 4% हमें कितना दिया गया, बहुत ध्यान देना बच्चों, ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है, मतलब जो 4% की वैल्यू है वो मेरी कितनी है, इतनी है, वो 100% की वैल्यू में निकालनी है। एक तो तरीका ये है कि आप वैसे निकाल सकते हो, दूसरा तरीका ये है, आपको जो अच्छा लगे मैं दोनों तरीके यहाँ बता दूंगा, ठीक है, तो पता है कि हमें ये चाहिए, तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25, यानी कि 25 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये 25 को इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, 90 27, ये डिजिट एक पॉइंट, यानी कि जो नंबर था वो हमारा 27 था, ओके। एक तरीका ये है, बात समझ में, अगर इसे लेट एक्स मान के करेंगे तो ये तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वो हमें यहाँ इसी को सॉल्व करके यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, अभी बताया कि 4% की जो वैल्यू है मुझे कितनी दी, 1.8, अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो पता है कि 1.8/4, यानी कि जो 4 है वो 100 डिवाइड में है। अब मुझे पता है कोई भी नंबर होता है वो 100% होता, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, बोथ साइड मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, ये 1.8/4 × 100, तो ये 25, और फिर काटेंगे और मल्टीप्लाई है 9, 18 और 27, ये तो ए भी
27 आ गया। आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो। अब ये वाला क्वेश्चन मैं उस अप्रोच से करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो 120%, 120 की वैल्यू कितनी दी हमारी, 90 दी गई, तो 1% की वैल्यू हमें कितनी दी जाएगी, ओके। आप पता है कि 100 की वैल्यू निकालें तो 100% क्या है, एक ही जीरो कटेगा, 10 निकालना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो हम काट लेंगे, हाँ सिक्स बार, ठीक है। अब सिक्स से हम इसको काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। सिक्स बन जाए सिक्स, थ्री बन जाए, यानी कि जो नंबर हमारा आएगा वो कितना आएगा, 15 × 5 यानी कि 75। जो होल नंबर था वो 75, तो लिख सकते हैं दैट नंबर इज 75। देखो अब इसको हम चाहे जैसे कर सकते हैं, एक्स मान के करो चाहे वैसे करो। तो हमें तो ये अप्रोच जो होती है वो बेटर लगती है, कि जो हमें 90% की वैल्यू दी गई है वो हमारे 297 दी गई है। 1% की वैल्यू कितनी दी जाएगी, 279/90। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये अप्रोच आपको आगे भी जब कंपटीशन का एग्ज़ाम करोगे तब वहाँ भी काम करेगी। जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। ये 3 बार, ये 1 बार, यानी कि जो नंबर होगा 310 आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया सॉल्व। आप कैसे भी करो आपको सॉल्व करना चाहिए, जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी कैलकुलस है वो क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं खिचड़ बिछड़ होनी चाहिए। चाहे आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, आपको जो बेटर लगे, ठीक है। ऐसे इसको करें, 15% = 40, 48, 1% = ठीक है, 100% = 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, एस 3 से काटोगे ये 1 बार, एक 16 बार, और 16 × 20 320, बस सॉल्व हो गया। आप अगर एक्स मान के करते हो तब भी वही आएगा, और नहीं करते हो तब भी यही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन हम चलते हैं 4 की तरफ, ठीक है। अरे थोड़ा वो मिस्टेक हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं। बच्चों मैंने आंसर चेक किया तो थोड़ा यहाँ पे आंसर थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 09, ये जो 36, 36 और 9, फोर्टी फाइव, यानी कि 45 आ जाएगा। मैंने उसको ना 1 मान लिया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाकी सभी सही है। आंसर मैच कर लेता, कहीं जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो फिर से सही कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वो मैं बता दे रहा हूँ, जो वो था सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ी मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होगी, मैंने लास्ट में सही भी कर दिया था, ठीक है। जिन्होंने छोड़ दिया वो लास्ट तक पूरा देखें, वो सही आपको मिल जाएगा, ठीक है। राइट ईच डेसिमल और फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, मतलब जो भी डेसिमल उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जो फ्रैक्शन है उसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं वो देखो, हमें पता है कि परसेंटेज बनाने के लिए इसमें जो भी है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 70%, ठीक है। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो से ये हट जाएगा, यानी कि 9%, ठीक है। 3/4, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इतना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 75%, 11/11
तो ऐसे हम काटेंगे 3 बार, ये 21 यानी 200, ये हमारा हो जाएगा 220। 220 में 3 का डिवाइड देंगे तो 7, ठीक है 7 7, और ये 1 बचेगा 6, 7 ए सॉरी 1 बचेगा तो ये 3 3, ठीक है 0.33% होगा, या फिर 73 1/3%, तो मैं सबको कोई एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है ऐसे समय 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 से 8 कट गया तो हमारा क्या 100%। ठीक है बहुत इजी है, इसमें 100 का जब मल्टीप्लाई करा दें, चाहो तो यहीं करा दो, चलो दूसरे स्टेप में 100 से 100 कट जाएगा यानी 37%। ये डेसिमल का है, इसमें जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 94%, 19/20 मल्टीप्लाई 100, ये कटेगा इससे, ठीक है ये 5, इसका मल्टीप्लाई हुआ 95%। ठीक है तो ये बहुत इजी होती है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कि इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है तो ये डेसिमल यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 2 1 2, यानी कि अब ये हमारा अब क्या इतना, तो ये इतना परसेंट हो जाएगा। डेसिमल आपको करना निकलना आता ही है, तो ये बहुत ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि ये इतनी आप फ्रैक्शन को कर चुके हो कि आपको ये इजी लगे, खाली इसमें आपको अप्रोच समझ में आ जाए कैसे करना है। ठीक है आई होप आपका 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब भी अगर कोई डाउट रहता है तो अब उसको 1 से 2 बार जरूर वीडियो को देखो, डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी में ना थोड़ा सा हमने फिर मिस्टेक कर दी है, यह 25 था, यहाँ 25 ये 25 था, 20 ये मतलब अगर यहाँ 15 होगा तो आंसर सही है, 25 के हिसाब अकॉर्डिंग ये आंसर देख लेते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चेक 25 देखेंगे तो 11/25/100, तो इसी ये खा लेंगे 4 टाइम्स कटेगा तो 11 × 4 यानी कि 44%। ठीक है हो जाती है एकदम जल्दबाजी में लिखते हैं मिस्टेक निकल जाती है। ठीक है तो अब ये क्लियर, मैं एक बार तभी तो आंसर चेक कर लेता तो कहीं मिस्टेक तो नहीं करी मैंने। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है जो हमारा क्या है परसेंटेज दिया है तो उसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करो फिर उसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करो। तो ध्यान रखना पहले हम यहाँ लिख भी सकते हैं डेसिमल और यहाँ निकालेंगे फ्रैक्शन। ठीक है बस इतना ध्यान रखना, तो पहले का जो होगा हमारा सॉल्व हो गया, इसे जब क्या करें जब परसेंटेज आएंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे, अच्छे से पता है जब 100 का डिवाइड ऐसे करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा डेसिमल का। ठीक है ओके, अगर ये फर्दर डिवाइड हो रहा तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा फ्रैक्शन भी बन जाएगा। ठीक है डिवाइड तो हो नहीं रहा फिर ऐसे ही करेंगे। ठीक है ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है डेसिमल हो गया, अगर ये डिवाइड है तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 से 11 बार हो रहा है, ये 25 बार आ रहा है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में 11/25। ठीक है इसको देखेंगे 80/100, अगर डेसिमल निकालेंगे तो इतना इसका ये होगा। ठीक है ये अगर फ्रैक्शन निकालें तो इसे सॉल्व करेंगे और इसे फिर करेंगे 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स 2 से काटेंगे तो ये 4/5 ये आ जाएगा। ठीक है ऐसे इसमें करेंगे 112/100 तो इसका जो डेसिमल आएगा तो 1.12 आ जाएगा। ठीक है ऐसे फ्रैक्शन बदलेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे ये हमारा कटेगा 2 बार, 3 कह रही हो 32,
32 8 बार कटेगा, ठीक है, 4 से 8 25 बार, तो हमारा 28 अपॉन 25, ठीक है। तो इस साइड वाले हमारे फ्रैक्शन है, इस साइड वाले हमारे डेसिमल है। तो बात समझ में आ गई। किसी भी आप वहाँ बैठ ना जाना कि आप 100 का डिवाइड करें डेसिमल में निकालना, हमेशा जीरो वाले को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सिक्स, विच इज ग्रेटर 0.5 और 1/2%, इसमें से कौन बड़ा है? बहुत ध्यान से देखना, ये निकल 0.5 1/2 लिखा, परसेंटेज भी साथ में लगा, देखो चाहे ऐसे परसेंटेज पहले चाहे ऐसे डेसिमल, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको क्या वो इसको हटा लेते हैं, जब ये हटाएंगे, ठीक है, तो अब ये, तो ये हमारा क्या था, डिवाइड देंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा, नीचे एक 100 और है, जब इसका बोलते हैं बना ये होता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.05, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चाहो, अब आपको दिख रहा कि इसमें से 0.5 इज ग्रेटर, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 0.5 और 1/2, अब इसको ऐसे ही रखो, 1/2% रखो, इसे परसेंटेज बदलने के 100 का मल्टीप्लाई कर लो, जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे जैसे कर लो, दोनों को सेम वैल्यू होने की परसेंटेज, जैसे करेंगे तो हमारा 50% हो जाएगा बस। तो आपको पता चल गया कि कौन बड़ा है, तो 50% वाला ये बड़ा, यानी कि ये वाला इज ग्रेटर, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, चाहे इसे डेसिमल में बदल लो इस चीज़ को, चाहे इसे परसेंटेज बदल लो, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 7 इज कम्प्लीट, ठीक है, 6 कम्प्लीट, 7 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कैसे करना है। फाइंड द एज परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट वो चेंज हो, नंबर में इतना चेंज हो। तो ये कभी कभार होता है कि आपसे पूछा जाएगा भाई ये इतना नंबर था इतना हो गया, तो परसेंटेज में कितना चेंजमेंट आया, बस उसी पे ये बेस क्वेश्चन है, देखना कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे ये 50 था, 50 से कितना हो गया 60, यानी चेंज कितना आया, चेंज हमारा 10 का आया। अब चेंज परसेंटेज कैसे होगा, तो बहुत ध्यान रखना, जो चेंज आया वो ऊपर लिखेंगे, और किस पे आया था इस चीज पर आएगा, तो यहाँ अपॉन 100, परसेंटेज चाहिए तो 100 चाहिए, तो इसे 2 बार काटेंगे, तो कितना 5% चेंज आया, ठीक है। ये 2 बार काटेगा, तो कितना चेंज आया वो ऊपर लिखेंगे, किस पर आया वो नीचे लिखेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो ये हमारा 50 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स कटेगा, 100 कटेगा, तो 100 मल्टीप्लाई 2 फिर 10 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 20% चेंज आया, ठीक है, बात समझ में। ऐसे इसमें 9 था 45 हो गया, कितना चेंज आया, तो चेंज देखेंगे कितना आया 36 का चेंज आया, ठीक है। और ध्यान, चेंज परसेंटेज 36 से चेंज किस पे आया, 9 पे, तो ये कितने बार 4 टाइम्स, यानी कि 400 का चेंज आया, ठीक है। ऐसे ऐसे कितना चेंज आया, 100 का चेंज आया, चेंज परसेंटेज 100 का चेंज आया, किस पे आया, इस पे 400 का कट जाएगा, ठीक है, कट गए, ये 25 बार, यानी 25 का परसेंट का चेंज आया। ऐसे इसमें कितना चेंज आया, 25 का चेंज हुआ, ठीक है, और चेंज परसेंटेज किस पे चेंज हुआ, 300, ये काटोगे तो कितने बार कटेगा हमारा,
आई थिंक 12 बार काटेगा, ठीक है, ये काटेगा, और फिर ऐसे काटेंगे 3, ये हमारा 25 बार, फोर से काटेंगे 3 बार और ये का 25, देखेंगे 25 अपॉन 3, ये तो ये होगा नहीं तो इतना होगा 8.33% या 8 होल 1/3%, ठीक है, इतना चेंज परसेंटेज लगाना भूल गए, ठीक है। तो बस ये प्रोसेस थी इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई, क्वेश्चन आंसर एक बार चेक कर लेते, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती बाद में, ठीक है। एक चीज़ और इसमें लिखी है, चेंज तो लिखा ही है, ये तो एक चीज़ और लिखी, अब बताओ ये नंबर पहले 50 था और 60, यानी कि इंक्रीज हुआ, इंक्रीज, ठीक है, ये 9 था 45 इंक्रीज होगा, ये भी लिखा, ठीक है, और 400 था 300 डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, 300 था इतना हो गया तो इंक्रीज हुआ, ये चीज़ और लिखना था, ठीक है, ये लिखना बोले। तो कभी कभी चीज़ें उसी छूट जाती, नहीं लिखते, बस चेंज पूछा था, ये नहीं पूछा था, ये लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, डिक्रीज इंक्रीज, चलो मैंने लिख दिया वो आंसर देख के, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया हो, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरों की मदद ज़रूर करें, आपको कोई अगर आसपास दिखता है, अगर किसी की नीड है मदद करने में, उसकी ज़रूर नीड करें, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आसपास सबको लेकर साथ चलना चाहिए, तभी आप सफल बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।